नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे जॉब वर्क के एलएनटी चैनल में स्वागत है। तो फिर एलएनटी कंपनी में अगर जो आप जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फिर एक मौका आ गया है एलएनटी कंपनी में जॉब करने के लिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन आपने 8वीं पास किया हो, 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो, ITI फिटर से किया हो या ITI वेल्डर से किया हो, तो आप लोगों के लिए मौका आ गया है एलएनटी कंपनी में जॉब करने के लिए। इस जॉब की गारंटी पूरी मेरी रहने वाली है दोस्तों। जब तक आपका होगा नहीं तब तक मेरी गारंटी रहने वाली है। कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा एलएनटी कंपनी में। डायरेक्ट पहुंचना है दोस्तों, लोकेशन भी देंगे, कहां पे पहुंचना है वो भी आपको लोकेशन में बताएंगे। डायरेक्ट वहां पे पहुंचना रहेगा। आपको कोई भी दिक्कत आता है तो अपना नंबर मेरे कमेंट में मैसेज करना है, आपके पास कॉल मैं खुद करूंगा, आपको पूरी जानकारी देंगे। फ्री जॉब है दोस्तों, इस जॉब के लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है इस कंपनी में, एलएनटी कंपनी में। तो आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, चैनल पर बने रहें। वीडियो पर नए हो दोस्तों तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों, जब आप एलएनटी कंपनी में आएंगे तो आपको एलएनटी कंपनी की तरफ से क्या सुविधा दिया जाएगा। रूम आपको दिया जाएगा सोने के लिए, बिस्तर भी आपको दिया जाएगा, फ्री आप कॉस्ट दिया जाएगा सब कुछ दोस्तों। खाना 3 टाइम का आपको खाना मिलेगा और चाय नाश्ता मिलेगा, ये भी आपको फ्री में दिया जाएगा एलएनटी कंपनी की तरफ से। ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, 2 से 3 महीने का ट्रेनिंग है, अलग अलग ट्रेड के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। पूरी जानकारी देंगे कौन से ट्रेड में कौन कौन सा कितने दिन का ट्रेनिंग होता है। यहाँ देख सकते हैं ट्रेन का टिकट भी आपको मिलेगा। ट्रेन का टिकट जितना आपका घर से किराया लगेगा आने में, उतना आपको पैसा दिया जाएगा एलएनटी कंपनी की तरफ से। यहाँ देख सकते हैं ड्रेस भी आपको दिया जाएगा, शूज भी दिया जाएगा, हेलमेट भी आपको फ्री में दिया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको देने वाले दोस्तों, ये सब जितना मैंने लिखा हूँ दोस्तों सब आपको फ्री में दिया जाएगा एलएनटी कंपनी की तरफ से। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। और तो दोस्तों हम जानेंगे कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले कौन कौन से ट्रेड में जॉब ले सकते हैं एलएनटी कंपनी में। जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा उसमें आप उस ट्रेड में आप जॉब कर सकते हैं। देख सकते हैं मेसन ट्रेड, इसमें बिल्डिंग बनाने का काम होता है, घर बनाने का काम होता है। अगर आपने 5वीं पास किया हो, 8वीं पास किया हो, 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो, अगर जो आपको इंटरेस्ट है बिल्डिंग बनाने में तो आप इसमें काम कर सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 18,000 मिलेगा स्टार्टिंग से ही। 2 महीने का ट्रेनिंग होगा इस ट्रेड में, 2 महीने का ट्रेनिंग होगा और स्टार्टिंग में आपको सैलरी 18,000 मिलेगा एलएनटी कंपनी में। स्टार्टिंग में आपको कंपनी अप्रेंटिस करवाएगी, जैसे ही आपका नॉलेज होगा दोस्तों 1 साल का अप्रेंटिस रहेगा वैसे ही आपका सैलरी 2 से 3 हज़ार पर ईयर्स में बढ़ेगा दोस्तों, पर साल में आपका 2 से 3 हज़ार बढ़ेगा। अब बात करते हैं फार्म वर्क ट्रेड में, इसमें आपको सेटरिंग का काम करना रहेगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो तो इस ट्रेड में आप कर सकते हैं। इसमें 3 महीने का ट्रेनिंग होगा, आपको 16,000 दिया जाएगा स्टार्टिंग से ही, अप्रेंटिस करवाया जाएगा। जैसे ही आपका नॉलेज होगा 2 से 3 हज़ार हर साल में आपका बढ़ने वाला है। तो अगर जो आप सेटरिंग काम में इंटरेस्ट सकते हैं तो एलएनटी कंपनी में 10वीं 12वीं पास किए हैं तो आप लोग जॉब कर सकते हैं। कारपेंटर में देख सकते हैं इसमें लकड़ी का काम किया जाता है, 10वीं पास किया हो, 12वीं पास किया हो, अगर जो आप लकड़ी का काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो एलएनटी कंपनी में कर सकते हैं, सभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 महीने का ट्रेनिंग होगा, इसमें आपको 16,000 स्टार्टिंग से मिलेगा। अगर जो आप विदेश भी जाने का मौका आपको एलएनटी कंपनी देती है, जैसे आपका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको विदेश भी कंपनी भेजती है, एक भी पैसा आपको नहीं लगेगा, आप विदेश भी जा सकते हैं। एलएनटी का ही कंपनी रहेगी, विदेश में भी इसका साइट चलता है, वहाँ पे आपका 40 से 50 हज़ार मिलेगा दोस्तों। बात करते हैं कारपेंटर का, इसमें आपको 2 महीने का ट्रेनिंग किया जाएगा, दिया जाएगा एलएनटी कंपनी की तरफ से, जिसमें आपको स्टार्टिंग में 16,000 मिलेगा, अप्रेंटिस पे रखेगी 1 साल काम को सिखाएगी एलएनटी कंपनी में ही। उसके बाद जैसे एक्सपीरियंस होगा इसमें भी आपका सैलरी बढ़ने वाला है। इसमें इस ट्रेड देख सकते हैं दोस्तों, बार बेंडर का ट्रेड है। इसमें छड़ को मोड़ना काटना जैसे कंस्ट्रक्शन साइड में वर्क होता है, इसमें नॉर्मली वर्क रहेगा। अगर आप 8वीं पास किए हो, 10वीं पास किए हो, 12वीं पास किए हो, ITI फिटर से किए हो, ITI वेल्डर से किए हो तो इस ट्रेड में आप जॉब कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट मौका इस ट्रेड में। जैसे दोस्तों अगर आपके जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा। अगर जो आप स्टील फिक्सिंग का काम करना चाहते हैं तो इस ट्रेड में ये भी कर सकते हैं, बार बेंडर के ट्रेड में ये भी काम दिया जाता है एलएनटी कंपनी की तरफ से। तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया, इसमें भी 16,000 स्टार्टिंग से मिलेगा, 2 मंथ का ट्रेनिंग होगा इस ट्रेड में, स्टार्टिंग में 1 ईयर का अप्रेंटिस करवाएगी एलएनटी कंपनी। जैसे ही आपका काम करना लीज होगा 2 से 3 हज़ार आपको पर ईयर में बढ़ेगा। तो चलिए आगे बताते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना रहेगा, पूरी डिटेल में बताएंगे। तो क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके आना है, इसमें से अगर आपके पास कुछ भी कोई भी सर्टिफिकेट हो, 8वीं आपको आप पास किए हो उसका सर्टिफिकेट हो, 10वीं का सर्टिफिकेट हो या 12वीं का मार्कशीट हो, इसमें से कोई एक मार्कशीट लेके आना है। अगर जो आपको 10वीं 12वीं का मार्कशीट है तो दोनों लेकर आइएगा। अगर आपके पास 8वीं का भी मार्कशीट है, एक ही मार्कशीट, तो 8वीं का ही मार्कशीट लेकर आना है, या 10वीं का मार्कशीट है तो 10वीं का केवल लेकर आना है, 12वीं का मार्कशीट है तो 12वीं का केवल लेकर आना है, 10वीं या 12वीं का दोनों है अगर जो आपके पास तो भी आपको दोनों लेकर आना है। ITI फिटर से आपने किया तो ITI फिटर का मार्कशीट लेकर आना है, ITI वेल्डर से किया है तो ITI वेल्डर का मार्कशीट लेके आना है। यानी आप किसी भी कोई भी क्वालिफिकेशन वाले हो, जिसने मैंने इसमें लिखा है, तो जिस भी क्वालिफिकेशन से आप करना चाहते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट लेके आना है। चलिए आगे बताते हैं और क्या लेकर आना रहेगा।
और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, और क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आना रहेगा। आधार कार्ड लेके आना रहेगा, पैन कार्ड लेके आना रहेगा, बैंक पासबुक लेके आना रहेगा। बैंक पासबुक किसी छोटे शाखा का नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी बड़े ब्रांच का होना चाहिए, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब, SBI, HDFC, ऐसे किसी बैंक का होना चाहिए। किसी जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक का नहीं होना चाहिए। 10 फोटो लेके आना है, जिसके पीछे का बैकग्राउंड याद रहे, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद ही रखना है दोस्तों, कोई कलर नहीं कराना है, पीछे का बैकग्राउंड सफ़ेद ही चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट का 2 से 3 फोटोकॉपी करा के आना है, और सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लेके आना है, और सभी डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी करा के आना है। तो चलिए बताते हैं, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके आना है। चलिए बताते हैं किस डेट को आना रहेगा आपको L&T कंपनी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, L&T कंपनी जो वैकेंसी निकल के आई है, आपको किस डेट में आना रहेगा। 29 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं L&T कंपनी में। लोकेशन भी देंगे इस वीडियो में। 29 जनवरी से 6 जनवरी के बीच में आ सकते हैं। सुबह में देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, सुबह में आना है, 7 से 12 बजे के बीच में L&T कंपनी में पहुंच जाना है। और आपका हाइट दोस्तों, हाइट 1.50 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। आपका वेट, आपका वजन दोस्तों 50 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 50 kg से ऊपर रहेगा तो चलेगा। चलिए आगे लोकेशन भी आपको देते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहीं L&T CSTI ट्रेनिंग सेंटर जो अहमदाबाद में है, यहीं पे आपको आना रहेगा। अहमदाबाद के लिए टिकट कटवाइएगा, उसके बाद आप अहमदाबाद से ऑटो या बस पकड़ के चाचरवाड़ी आपको आना है दोस्तों। चाचरवाड़ी में ही L&T CSTI का ट्रेनिंग सेंटर है, सरखेज से थोड़ा आगे, चाचरवाड़ी के थोड़ा पहले L&T CSTI का ट्रेनिंग सेंटर है, अहमदाबाद में है। अगर जो आप किसी भी ऑटो वाले से कह देते हैं कि हमको L&T CSTI का ट्रेनिंग सेंटर पे जाना है, तो जस्ट हाईवे से बगल में है दोस्तों, वहाँ पे आपको L&T CSTI ट्रेनिंग सेंटर पे ऑटो वाला छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा होगा आपको। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत होता है दोस्तों, तो अगर जो आपको डर भी लगता है, तो आप मेरे कमेंट में, वीडियो के कमेंट में अपना नंबर भेजें, मैं आपसे खुद बात करूँगा दोस्तों। कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नाम बता देने का, पंकज वर्मा ने भेजा है। वहाँ पर दोस्तों जब आपका एडमिशन होगा, तब भी आपको पूछेगा कौन भेजा है, तो मेरा नाम बताने का, पंकज वर्मा ने भेजा है। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मुझसे डायरेक्ट में बात कर सकते हैं आप लोग, अपना नंबर भेजकर। दोस्तों मैं अपना नंबर भी देता, क्योंकि मैं भी L&T से ट्रेनिंग लेकर अभी ड्यूटी पे काम कर रहा हूँ, साइट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, वैसे ही आपके पास कॉल करता हूँ। तो अपना नंबर भेजने का दोस्तों, मैं आपसे बात कर लूँगा। अगर जो आपको देखना है कि L&T CSTI का ट्रेनिंग सेंटर कैसा है, तो मेरे YouTube चैनल में दोस्तों सबसे नीचे चले जाएगा, 30 मिनट का मैंने वीडियो बनाया हूँ L&T CSTI ट्रेनिंग सेंटर कैसा है, उसमें पूरे अच्छे तरीके से दिखा हूँ दोस्तों। नीचे में जाना है, वहाँ पे देख लेना है L&T CSTI ट्रेनिंग सेंटर, उस पर लिखा हूँ मैं, उस पर ऊपर भी मैंने लिखा हूँ दोस्तों L&T CSTI ट्रेनिंग सेंटर, देख लीजिए कैसा है। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं L&T CSTI ट्रेनिंग सेंटर कैसा है, आप लोगों को पूरा जानकारी पता चल जाएगा। अगर जो आप हॉस्टल देखना चाहते हैं, तो हॉस्टल भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। नीचे में जाना है दोस्तों, आपको वीडियो मिल जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा। कैंटीन का भी मैंने वीडियो बनाया हूँ, कैंटीन भी आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, पूरी जानकारी आपको दिया जाएगा, सही सही दिया गया है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपका कोई दोस्त और भी 8वीं पास, 12वीं पास, 10वीं पास किया हो, ITI फीटर से किया हो, ITI वेल्डर से किया हो, तो उनके पास भी मेरा वीडियो शेयर कर दें। और जॉब से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँगा आप तक पहुँच जाए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।